वेलकम टू माई चैनल क्रिस्टल ब्यूटी रेमेडीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो आज का वीडियो ना हमारे लेग्स के बारे में है। हमारे फीट को कैसे ब्राइटर और लाइटर बना सकते हैं, वही आज हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पार्लर जाकर पेडिक्योर करना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन मैं आज एक होम रेमेडी लेके आई हूँ जिसके कारण ना आप अपने फीट को ब्राइटर और लाइटर बना सकते हैं। और ये सिंपल होम रेमेडी क्या है, वीडियो को पूरा देखना और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को आगे बढ़ाते। सब्सक्राइब करें क्रिस्टल ब्यूटी रेमेडीज को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारे फीट में ना बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस आ जाता है और इसके कारण भी बहुत ही ज़्यादा टैन हो जाता है, और वो टैन को रिमूव करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हम बाहर जाकर पार्लर लाइक यानी कि पेडिक्योर करते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी रहता है फ्रेंड्स। वो ब्राइटर भी हो जाता है, लेकिन मैं आज एक ना सिंपल होम रेमेडी लेके आई हूँ। अगर आप उसे यूज़ करोगे ना, तो आपका जितने भी सारे टैन, डार्कनेस, डार्क स्पॉट ये सारे चले जाएंगे और आपके फीट ब्राइटर और इवन स्किन हो जाएगा। के लिए ना हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है ये ग्रामफ्ला। जी, रहता है हमारे स्किन के कम्प्लेक्शन को बूस्ट करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट रहता है जो हमारे स्किन को लाइटर और ब्राइटर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अच्छे से एक्सफोलिएट भी करता है फ्रेंड्स। हमारे स्किन में जितने भी सारे डर्ट और इम्प्योरिटीज रहते हैं ना, उसे भी ये निकाल देगा। और हमारा सेकेंड इन्ग्रीडियंट है, यहाँ पर ब्राउन शुगर लिया है। अगर आपके पास वाइट शुगर है तो आप ले सकते हो, बट ब्राउन शुगर ना मैं कहूँगी कि ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। और ब्राउन शुगर ना हमारे स्किन को ये भी बहुत ही जेंटली एक्सफोलिएट करेगा। स्क्रबिंग के लिए ना बहुत ही माइल्ड सा एक इंग्रेडिएंट चाहिए। अगर वो नेचुरल इंग्रेडिएंट हो ना, वो बहुत ही इफेक्टिव रहता है। इसके लिए ना मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ ब्राउन शुगर को यूज़ करें। अगर आप ब्राउन शुगर यूज़ करते हो ना, तो उसका जो दाने रहते हैं ना, वो बहुत ही सॉफ्ट रहता है, हमारे स्किन को ज़्यादा हार्श नहीं होगा। जेंटली हमें इसे स्क्रब करना है, यानी कि एक्सफोलिएट करना है। और अगर आप वाइट शुगर लेते हो तो आपको क्या करना है, वाइट शुगर को थोड़ी देर के लिए कोर्स ग्राइंड कर लेना है, और उस पाउडर को आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके पास ब्राउन शुगर ना हो। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट है ये लेमन एसेंशियल ऑयल। लेमन एसेंशियल ऑयल अगर हम इसमें डालते हैं ना, तो हमारे स्किन को कम्प्लेक्शन को बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। एसेंशियल ऑयल्स को ना हमें किसी ना किसी के साथ डाइल्यूट करके लेना है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एंड कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहता है। 2 to 3 ड्रॉप्स हमारे लिए काफ़ी रहता है फ्रेंड्स, ये पैक बनाने के लिए काफ़ी है। तो अभी हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ों को मिक्स करना है, और लास्टली हमें ऐड करना है ये एसेंशियल ऑयल। फ्रेंड्स, अगर आपके पास लेमन एसेंशियल ऑयल ना हो, तो आप इसमें लेमन जूस का भी ऐड कर सकते हो, बट फिर भी मैं कहूँगी कि एसेंशियल ऑयल्स ना बहुत ही इफेक्टिव रहता है। ये ग्राम फ्लावर, और अभी हमें इसमें ऐड कर लेना है 2 teaspoon ब्राउन शुगर। से अच्छे से मिक्स कर लेना है, ऐड करना है लेमन एसेंशियल ऑयल्स का 2 to 3 ड्रॉप्स। और हाँ फ्रेंड्स, ध्यान रखना आपको ज़्यादा ऐड नहीं करना है। मैंने यहाँ पर 2 ड्रॉप्स ऐड कर लिया है। तो इसमें रोज़ वाटर मिक्स कर सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल प्यूरीफाई वाटर भी ऐड कर सकते हो पेस्ट बनाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा स्क्रब रेडी हो गया है। और अभी हमें क्या करना है, हमारे फीट पर इसे अप्लाई करना है फ्रेंड्स, और इसे अच्छे से अप्लाई करके छोड़ देना है। हमें इसे पूरे फीट पर आपको अप्लाई कर लेना है, और जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ना, 1 to 2 minutes के बाद ना, आपको इसे सर्कुलर मोशन में स्क्रब करना है फ्रेंड्स, और अच्छे से स्क्रब करना है, जेंटली स्क्रब करना है। डार्कनेस रहता है वो सारे निकल के आ जाएंगी, और आपको एक हेल्दी सा स्किन मिल जाएगा फ्रेंड्स, ब्राइटर और लाइटर स्किन मिल जाएगा, आपके फीट भी ब्राइटर हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको लग रहा होगा कि ये सिंपल होम रेमेडी से थोड़ी ना काम चलेगा, लेकिन ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पर ट्राई करोगे ना, तो आपके फीट ना लाइटर और ब्राइटर हो जाएगा। ब्राउन शुगर हमने इसमें ऐड किया है, जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, बहुत ही माइल्ड रहता है, हमारे स्किन में एक्सफोलिएट होने के लिए नुकसान नहीं होता है। इसमें कोई केमिकल्स नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट रहता है। और लेमन एसेंशियल ऑयल्स के कारण ना हमारे स्किन को एक ब्राइटर और कम्प्लेक्शन को बूस्ट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आप ये सिंपल सा होम रेमेडी ज़रूर ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। के बाद ना आपको क्या करना है,
करना है। ठंडे पानी के मदद के साथ आप अपने फीट को अच्छे से वॉश कर लेना है। फिर आप फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और हमारे स्किन ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड रेडिएंट लग रहा है। अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पर ट्राई करोगे तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, लाइटर होने लगेगा। फ्रेंड्स, धीरे धीरे करके ये पूरे टैन को रिमूव कर लेगा। इसे वॉश करके आ जाओगे ना, तब आप कोई सा भी एक एलोवेरा जेल लेना है आपको। एलोवेरा जेल ना अपने फीट पर अच्छे से अप्लाई करके उसे ओवरनाइट छोड़ लेना है फ्रेंड्स, ओवरनाइट छोड़ देना है फ्रेंड्स। ओवरनाइट छोड़ने से ना एलोवेरा जेल उसका अच्छे से काम करेगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा नरिश करेगा और कम्प्लेक्शन को बूस्ट भी करेगा फ्रेंड्स। फिर आप अगले सुबह ना इसे वॉश कर सकते हो और ह्यूज डिफरेंस दिखने को मिलेगा। हम हमारे फीट को कैसे ब्राइटर और लाइटर बना सकते हैं और वो भी नेचुरली एट होम। ऐसा वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ये बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय।